तुगलकाबाद दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर को गिराना दुर्भाग्यपूर्ण। आज से 600 साल पूर्व तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोधी ने अपने गुरु रविदास जी महाराज को सात सौ कनाल जमीन दी थी, जो आज तक राजस्व रिकॉर्ड में चलती आ रही थी। मगर इस अरबों रुपयों की जमीन को हथियाने के लिए केंद्र सरकार और डीडीए ने संयुक्त रूप से मिलकर षड्यंत्र रचा। तुगलकाबाद गुरु रविदास शोभा यात्रा समिति ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, मगर कहीं न्याय नहीं मिला और अंततः 600 साल पुराने मंदिर को गिराने के लिए 19 जून की तिथि निश्चित कर दी गई है। मनुवादी सरकारें, शासन प्रशासन और जुडिशरी भी मिलकर गुरु रविदास जी के सेवकों के साथ अन्याय कर रही हैं। गुरु रविदास सेवकों से अनुरोध है कि वे सभी अपने अपने सांसदों से गुहार लगाएं कि मंदिर को ना गिराने के लिए केंद्र को विवश करें। अगर उन्होंने हमारा सहयोग नहीं दिया तो इसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। 19 जून को गुरु रविदास मंदिर गोविंदपुरी में सेवकों की आपात मीटिंग होगी, जिसमें सारे भारत के गुरु रविदास प्रेमी भाग लेंगे, जिसमें सरकार से अपील की जाएगी कि मंदिर को ना गिराने और जमीन वापस गुरु रविदास जी महाराज के नाम करने के लिए अध्यादेश जारी करें, ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जाए, क्योंकि ऐसा ही कांड हिमाचल प्रदेश के संतोषगढ़ में हुआ था, जिसमें 67 लोग 35 दिन जेल में रहे थे। भले ही सेवकों ने दुख सहन किए, मगर गुरु रविदास जी की जमीन हत्याने वाले ब्राह्मण परिवार के सातों ही सदस्यों को एक मुस्त मौत के घाट उतार कर दंड दिया गया था। कहीं यही दास्तां तुगलकाबाद में ना घटे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।